हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है ऑस्ट्रेलिया से है। जैसा कि पिछले कुछ पीरियड से ऑस्ट्रेलिया बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा था कि क्वांटस एयरलाइंस की उन्होंने फ़्लाइट स्टार्ट कर दी, जो कि वहाँ की बहुत बड़ी एयरलाइन है क्वांटस, तो उन्होंने अपनी फ़्लाइट स्टार्ट कर दी थी। अब आज एक नई अपडेट आई है ऑस्ट्रेलिया से, न्यू साउथ वेल्स से, जो कि सिडनी शहर उसी न्यू साउथ वेल्स NSW के अंडर ही आता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर से वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करेंगे, जो भी TGA अप्रूव्ड वैक्सीनेशन, जिनको फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। TGA में हमारी एक्स्ट्राजेनेका, जो कि कोविड शील्ड है, उसको एक्स्ट्राजेनेका कहा जाता है, वो आती है उसमें। तो वो 6 दिसंबर से पायलट प्रोग्राम स्टार्ट करें। हालांकि फर्स्ट जो 6 दिसंबर से जो वो फ्लाइट जाएगी उसमें वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करेंगे, इंडिया उसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन जो सेकंड फ्लाइट जाएगी उसके बाद, उसका उन्होंने अभी से अनाउंस नहीं करा। सेकंड फ्लाइट जब भी स्टार्ट होगी उसके अंदर इंडिया के स्टूडेंट्स भी जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन आ रहा है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दोबारा से वेलकम कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो अब हमें चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी। फिर भी मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि फेब्रवरी इनटेक ना लें, जुलाई इनटेक लेके जाएं, ताकि अगर कोई भी डिले भी रहता है इस प्रोसेस में तो भी वो उनकी वो सीट सिक्योर है। क्योंकि पीछे देखने में आया था कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड थे उनको उनकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये फोर्स किया गया था कि वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अपना सेफ साइड देखते हुए जुलाई इनटेक के लिए जाएँ अगर ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, तो ताकि वो उनका फ्यूचर और बाकी उनके पैसे भी सेफ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.